गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रोफेसर सीपी श्रीवास्तव को दर्शन शास्त्र विभाग के डीन पद का दायित्व सौंपा गया। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने मंगलवार को विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रोफेसर चितरंजन मिश्र, डॉक्टर सुषमा पांडे, डॉक्टर अजय शुक्ला सहित कई शिक्षकों ने प्रोफेसर श्रीवास्तव को बुके भेंट कर उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाइयां दी। आपको बताते चलें कि प्रोफेसर सीपी श्रीवास्तव गोरखपुर विश्वविद्यालय में 38 वर्षों से निष्ठापूर्वक अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इनके 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें दर्शन, परिभाषा और कोश शामिल है। प्रोफेसर श्रीवास्तव के 2 दर्जन से अधिक प्रख्यात पत्रिकाओं में शोध पत्र एवं आलेख प्रकाशित हुए हैं। प्रोफेसर श्रीवास्तव बोस्टन अमेरिका में वर्ल्ड कांग्रेस में भारतीय संस्कृति पर गठित शोध पत्र अमेरिका द्वारा ऑनलाइन चयनित भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शनों दोनों में महारत हासिल की है। स्वभाव से सरल व्यक्तित्व के प्रोफेसर श्रीवास्तव ने एक और अद्वैत वेदांत तो दूसरी ओर मूर रसेल, अस्तित्ववाद, प्रोग्मेटिज्म आदि में भी विगत लगभग 4 दशक से अध्यापन कार्य किया है। वर्ष 1980 में रेडियो वार्ताकार के रूप में महर्षि वाल्मीकि, श्री अरविंद स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर राधा कृष्ण समेत कई विषयों पर दर्जनों वार्ताएं प्रसारित हुई हैं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के नए डीन प्रोफेसर सीपी श्रीवास्तव ने कहा, विद्यार्थी जैसे हैं हर्षरण जी, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1980 में प्रवक्ता के पद पर यहाँ कार्यभार ग्रहण किया और तब से निरंतर यहाँ सेवा कर रहा हूँ। 38 वर्ष पूरे हो चुके हैं सेवा के हमारे, और 1 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसलिए 30 जून 2019 तक यानी 1 वर्ष का मेरा लगभग अधिष्ठाता कला संकाय के रूप में कार्य है। इसके पहले मैं रीडर हुआ 1993 में, प्रोफेसर हुआ 2001 से, और विभागाध्यक्ष भी मैं यहाँ पर रहा हूँ दर्शन शास्त्र में। अधिष्ठाता कला संकाय, अधिष्ठाता कला संकाय का पदभार ग्रहण किया है मैंने, और यह लगभग 1 वर्ष का कार्य रहेगा 30 जून तक, क्योंकि 1 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो यह 30 जून तक मैं इसके बाद सेवानिवृत्त, उसके बाद मैं सेवानिवृत्त, 62 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं सेवानिवृत्त। हाँ, मैं अध्यक्ष दर्शन शास्त्र रहा और पूरी निष्ठापूर्वक मैंने कार्य किया, कर सकता था मैंने किया। मेरे लिए यह एक अवसर भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज है, चुनौती भी है। अवसर इसलिए होता है कि शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाया जाए, विशेष रूप से जो कला संकाय के जो विषय हैं इनमें, और समुचित रूप से। और चुनौतियाँ बहुत सी बाधक होती हैं, और बिना किसी भेदभाव के यदि कार्य किया जाए तो मेरा विश्वास है कि यह बेहतरी की जा सकती है। चुनौतियाँ होती हैं और उनको सम्यक रूप से दूर किया जा सकता है, यदि निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी दृष्टि से यदि काम किया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो पूरी निष्ठा से मैंने कार्य किया है अभी तक, और स्वहित से बड़ा विश्वविद्यालय का हित होता है, संस्था का हित होता है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यदि ऐसा सोचा जाए और ऐसा किया जाए तो संस्था का गौरव बढ़ता है, संस्था के गौरव में शैक्षिक उसके उन्नयन में ही व्यक्ति का उन्नयन होता है, और मुझे विश्वास है कि इस रूप में सन्मार्ग पर चलते हुए निष्ठापूर्वक अपना कार्य दायित्व निर्वहन करूँगा। इस समय तो प्रवेश का कार्य चल रहा है, प्रवेश के उपरांत पढ़ाई का पठन पाठन सुचारू रूप से चले, और इसके लिए बहुत सजग होने की आवश्यकता होती है अध्यापक को, तो उनको एक उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में यह कार्य होता है अधिष्ठाता का, उन्हें उत्प्रेरित करता रहे, क्योंकि सभी लोग
जो विश्वविद्यालय में ही प्रबुद्ध हैं, ऊर्जावान हैं, बेहतर कार्य करते हैं, विभाग का, विषय का, विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें केवल उत्प्रेरित करने की एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है कि बेहतर परिणाम निकले। फिलहाल जो कुछ है वह प्रवेश का कार्य चल रहा है, सुचारू संपन्न हो जाए, सबकी सहभागिता संलग्नता है, और इसके बाद पठन पाठन जो मुख्य उद्देश्य होता है विश्वविद्यालय का, तो पठन पाठन सुचारू रूप से बेहतर ढंग से पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी निष्ठा के साथ यह प्राथमिकता है।